हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आपको ऑलरेडी जानकारी है कि हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अलग अलग प्लेलिस्ट्स में वीडियोस ऐड करते जा रहे हैं, और इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं प्लांट एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के एक बड़े इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ऐसे ट्रांसजेनिक प्लांट्स जिनके पास प्रॉपर्टी होती है इंसेक्ट रेजिस्टेंस की। और आपको ये जानकारी होगी ही कि इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स के अंदर एक मेजर वजह से आता है, और वो वजह होता है क्रायोप्रोटीन। काफी सारा काम इसके ऊपर किया गया है, काफी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और ये टॉपिक जो है वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है कि आखिर क्रायोप्रोटीन क्या होता है, कहां से मिलता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, किस तरीके से एक्ट करता है। ये सारी की सारी चीजें जो है वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज ये सारी बातें हम करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से प्लांट्स जो है वो इस क्रायोप्रोटीन से इन्फ्लुएंस्ड है, या कौन कौन से प्लांट्स के अंदर क्रायोप्रोटीन ऐड किया गया है, और क्या क्या उसका रिजल्ट मिला है। इन सब बातों पर आज ध्यान देंगे। ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसमें आपको काफी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो आपने पहले नहीं पढ़ी होगी। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आज हमारा टॉपिक है इंसेक्ट रेजिस्टेंस इन ट्रांसजेनिक प्लांट्स। तो अगेन मैं एक बार आपसे डिस्कशन यहां से शुरू करता हूं कि कोई ट्रांसजेनिक प्लांट का मतलब क्या है। ट्रांसजेनिक प्लांट या ट्रांसजेनिक एनिमल का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर जो वो प्लांट है उसके अंदर खुद के जीनोम के अलावा एक और फॉरेन से भी या बाहर से भी एक जीन ला करके ऐड किया गया है, जिसकी वजह से उस प्लांट की प्रॉपर्टी इनहांस हो गई है इंसेक्ट्स से फाइट करने की, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अब वो प्लांट जो है वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट बन गया है, यानी कि अब उस प्लांट के ऊपर इंसेक्ट्स का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इस तरीके की कुछ बात यहाँ पे है। तो कहने का मतलब है कि इंसेक्ट रेजिस्टेंस इन ट्रांसजेनिक प्लांट्स, तो ऐसे ट्रांसजेनिक प्लांट्स या ऐसे प्लांट्स जिनके पास एक बाहर से एक जीन हमने ऐड किया, जिसकी वजह से उन प्लांट्स के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी आ गई है जिसकी वजह से वो किसी इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, तो उसी चीज के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि ट्रांसजेनिक या इंसेक्ट रेजिस्टेंस कैसे मेंटेन किया जाता है। तो जैसे कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि यहां पे हमें एक जीन बाहर से ऐड करना पड़ेगा, तभी मेरा जो प्लांट है वो ट्रांसजेनिक होगा। तो हम कौन सा जीन ऐड करते हैं, क्या करते हैं, तो समझने की कोशिश करिएगा। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजेनेसिस, जरूर आपने पढ़ा होगा। क्या बोलते हैं इसको? बैसिलस थुरिंजेनेसिस इस बैक्टीरिया का नाम है, शॉर्ट में इसको हम लोग बीटी बोल देते हैं, ठीक है। तो बैसिलस थुरिंजेनेसिस को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? बीटी, ठीक। अब ये मेन बैक्टीरिया है, इसी बैक्टीरिया से हम लोग जीन आइसोलेट करते हैं। कौन सा जीन आइसोलेट करते हैं? यहां से एक जीन को आइसोलेट किया जाएगा। कौन से जीन को आइसोलेट किया जाएगा? वही जीन जो कि इंसेक्ट रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी को देता है, यानी कि जो वो जीन जो रिस्पॉन्सिबल है इंसेक्ट रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी के लिए, उस जीन को इस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये बैक्टीरिया जो है इसके पास एक ऐसा जीन है, बैसिलस थुरिंजेनेसिस के पास एक ऐसा जीन है जो कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको किल कर देता है या उनको दूर रखता है, उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है उस ऑर्गेनिज्म को जिसके अंदर ये जीन पाया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो बैसिलस थुरिंजेनेसिस के पास एक जीन है, और इस जीन की प्रॉपर्टी क्या है? ये प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स इंसेक्ट रेजिस्टेंस, ठीक। तो इट प्रोवाइड्स इंसेक्ट रेजिस्टेंस, ये बैसिलस थुरिंजेनेसिस के बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी है। अच्छा, कब से इसका इस्तेमाल हो रहा है? लगभग अगर हम बात करें तो World War I के आसपास इसके बारे में पता चला था, और तभी से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है ये इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी का जो बैसिलस थुरिंजेनेसिस के पास है। अब कौन सा जीन है, इसका नाम क्या है? हम बार बार जीन इसको बोल रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। पहले तो इसके नाम के बारे में पता चलना चाहिए। तो ये जो जीन है इसका नाम है क्राइजीन। क्या नाम है इसका? क्रायोजीन इसका नाम है। अब ये जो प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा वो कहलाता है क्रायोप्रोटीन। अब आपको पता है ना कि जो हमारा सेंट्रल डॉग्मा होता है उसमें से जीन से हमारा आपका जीन जो है वो डीएनए पे है, उससे आरएनए प्रोड्यूस होगा, आरएनए से प्रोटीन प्रोड्यूस होगा। तो अल्टीमेटली इस क्रायोजीन से
क्या प्रोड्यूस होता है? हमारा क्राय प्रोटीन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इस क्राय जीन से प्रोड्यूस होगा क्राय प्रोटीन। तो यहां पे देखिए मैंने लिखा भी है कि क्राय प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द क्राय जीन फॉर्म्स क्रिस्टलाइन इंक्लूजन्स इन द बैक्टीरियल स्पोर्स। कहने का क्या मतलब है समझने की कोशिश करिएगा। अब ये क्राय प्रोटीन तो प्रोड्यूस हो रहा है क्राय जीन से, कहां पे हो रहा होगा? बैक्टीरिया के अंदर हो रहा होगा। बैक्टीरिया में किस फॉर्म में ये रहता है? दैट मींस अगर आप एक बैसिलस थुरिंजेनेसिस को अगर आप देखेंगे तो बैसिलस थुरिंजेनेसिस में ये क्राय प्रोटीन किस फॉर्म में मिलेगा आपको? तो यहां पे समझिए, यहां पे मेंशन भी मैंने कर रखा है कि इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन इंक्लूजन्स। इंक्लूजन्स मतलब मौजूद होना, अंदर मौजूद होना। इंक्लूजन शब्द आया इंक्लूडेड से, तो क्रिस्टलाइन इंक्लूजन क्रिस्टल के फॉर्म में इंक्लूजन या बॉडीज फॉर्म रहती हैं किसके अंदर? आपके बैक्टीरियल स्पोर के अंदर। क्यों? कौन से बैक्टीरियल स्पोर्स? बीटी के, बैसिलस थुरिंजेनेसिस के जो स्पोर्स हैं उसके अंदर आपको ये क्राय प्रोटीन क्रिस्टलाइन इंक्लूजन के फॉर्म में देखने को मिलता है। ये पॉइंट इस का क्लियर हो गया होगा, मुझे लगता है यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब इस क्राय प्रोटीन की खास बात क्यों है, सारी दुनिया इसके पीछे क्यों पड़ी हुई है? इसलिए पड़ी है क्योंकि इसके पास एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे इंसेक्ट्स जो हैं वो दूर भागेंगे, इंसेक्ट्स मर जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे या हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हमें क्या प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी इसके अंदर क्राय प्रोटीन के अंदर देखने को मिलती है, ठीक। नेक्स्ट, अब ये जो क्राय प्रोटीन है ये दो तरीके का हो सकता है, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, यानी कि ये एक तो 130 केडी का हो सकता है किलो डाल्टन का, या ये 70 किलो डाल्टन का प्रोटीन हो सकता है। तो देख सकते हैं लगभग जो है वो दो गुना का अंतर देखने को मिला है, तो 70 केडीए 70 केडीए का होगा या फिर ये 130 केडीए का होगा, इन्हीं दोनों में से इसका मॉलिक्यूलर वेट कुछ हो सकता है। तो ये पहली स्लाइड जो हो गई इसमें मैंने रफली बात की आपसे कि ये क्राय प्रोटीन क्या होता है, कहां से बनता है, किसके अंदर पाया जाता है, क्या प्रॉपर्टी होती है, ये सारी की सारी बातें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि ये जो हमारा बैसिलस थुरिंजेनेसिस होता है उसकी शक्ल सूरत किस तरीके की दिखती है। अब आपको पता है कि ये क्या है जी, ये आपका बैसिलस है ना, क्या है? बैसिलस है। अब बैसिलस का मतलब क्या होता है? रॉड शेप्ड। क्या होता है? रॉड। अब आप यहां पे देख भी सकते हो भाई कि ये रॉड शेप्ड ही तो है। अगर आप यहां पे देखिए तो ये देखिए ये क्या है, रॉड शेप्ड ही तो है। मैं अगर यहां पे इसको चेंज करता हूं कलर तो आप ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है? दीज आर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। तो बैसिलस थुरिंजेनेसिस, बैसिलस हमेशा याद रखिएगा, इट इज बेसिकली इट मींस रॉड शेप्ड। तो बैसिलस थुरिंजेनेसिस का इस तरीके का कुछ शेप होता है, इस तरीके का कुछ नजर आता है। चलिए अब बैसिलस थुरिंजेनेसिस के अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसको जरा जल्दी से देख लीजिए। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है बैसिलस थुरिंजेनेसिस का, देखते हैं कि क्या क्या चीजें यहां पे हमें देखने को मिलती हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर में देखिए यहां पे आप बैसिलस को देखिए, यहां पे इसके छोटे छोटे राइबोसोम्स दिख रहे हैं, यहां पे इसका डीएनए मटेरियल है, इसका एंडोस्पोर का पोर्शन है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हम यहां पे डिस्कस करने के लिए हैं वो है ये पोर्शन। क्या है जी? ये बीटी टॉक्सिन क्रिस्टल है बेसिकली। क्या है जी? बीटी टॉक्सिन क्रिस्टल। अब जरा इसको देख सकते हैं कि ये बीटी टॉक्सिन क्रिस्टल में, या बेसिकली इसको कह सकते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म या क्रिस्टल रीजन है या क्रिस्टल है, वही बैसिलस थुरिंजेनेसिस का ये क्रिस्टल है बेसिकली, जो कि इस जो बीटी सेल है इसके अंदर पाया जाता है। तो दिस इज द टॉक्सिन क्रिस्टल, बीटी टॉक्सिन क्रिस्टल। तो कहने का मतलब है जो मेरा जो प्रोटीन था ना, जो बैसिलस थुरिंजेनेसिस के अंदर जो प्रोटीन है जिसको हम लोग क्राय प्रोटीन बोल रहे हैं, तो ये क्राय प्रोटीन जो है वो क्रिस्टल के फॉर्म में यहां पे अवेलेबल रहता है, क्रिस्टल के फॉर्म में यहां पे प्रेजेंट रहता है। तो ये चीज यहां तक समझ में आ गई होगी। तो क्रिस्टल के फॉर्म में इस तरीके का प्रेजेंट है, बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके का है, ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो चलिए देखते हैं। अब देखिए क्राय प्रोटीन्स जो हैं वो बहुत सारे तरीके के हैं, डिफरेंट टाइप्स के, अलग 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 तरीके के क्राय प्रोटीन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। कौन कौन से तरीके के क्राय प्रोटीन्स हैं जरा जल्दी से सबसे पहले यहां पे ये भी देख लेते हैं। तो
तो क्राई प्रोटीन्स की बात करें तो क्राई वन, क्राई टू, क्राई थ्री, क्राई फोर, क्राई फाइव, क्राई सिक्स, यही नहीं इसके अंदर सब डिविजन्स भी है। क्राई वन ए, इस तरीके से क्राई टू ए, इस तरीके से भी डिविजन्स हैं, लेकिन हम अभी उतनी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हम अभी यहां पे बात कर रहे हैं कि जो क्राई वन टू थ्री फोर जो क्राई प्रोटीन्स हैं, इनके पास इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी होती है, यानी कि इंसेक्ट्स को किल करने की एक्टिविटी इनके पास होती है, वन से लेकर के फोर तक वालों को पास। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्राई फाइव और क्राई सिक्स भी है। क्राई फाइव और क्राई सिक्स के पास निमेटिसाइडल एक्टिविटी होती है, यानी कि ये निमेटोड्स को किल कर सकते हैं, निमेटोड्स। ठीक, निमेटोड्स को ये किल कर सकते हैं। तो अब डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरीके के एनिमल से अपने आप को छुटकारा दिलाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप क्राई प्रोटीन जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो वन टू थ्री फोर जो है इंसेक्टिसाइडल, और आपका फाइव और सिक्स जो है वो निमेटिसाइडल एक्टिविटी उनके पास होती है। ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, अब ये तो जो है ये ओल्डर क्लासिफिकेशन के हिसाब से यहां पे इस तरीके का डिवीजन है। जो नया क्लासिफिकेशन है क्राई प्रोटीन्स का, उसमें जो डिवीजन किया गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स है, और उसमें बहुत सारे और भी, मतलब 100 से ज्यादा इस तरीके के डिवीजन किए गए हैं, और काफी ज्यादा एक्सटेंसिव वो काम है। ठीक है, तो न्यू क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द अमाइनो एसिड सीक्वेंस होमोलॉजी। तो अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के बेसिस पे डिवीजन किया गया है, नया जो क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से। तो ये पॉइंट याद हो गया होगा मुझे लगता है। नेक्स्ट, अब यहां पे देखिए, ये एक क्लासिफिकेशन मैंने यहां पे मेजर चीजें दिखाई हैं आपको, ये एक रिसर्च आर्टिकल से मैंने डिराइव किया हुआ है। आप देख सकते हैं क्राई वन ए, यहाँ पे टारगेट इंसेक्ट पेस्ट कौन कौन से हैं उनके नाम दिए हुए हैं, इंसेक्ट का ऑर्डर क्या क्या है उनके बारे में भी यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। तो आप चाहे तो इसको स्टडी कर सकते हैं, आपके लिए है। आप चाहे तो वीडियो स्टॉप करके इसको चेक कर सकते हैं, इसके बाद इसको इसमें से आपके अगर इंटरेस्ट की कुछ चीजें हैं तो नोट कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने बताया था कि क्राई वन, उसका भी सब डिविजन है, वन ए वन ए वन ए, देखिए दिखा हुआ है, वन बी वन सी वन डी वन ई वन एफ, उसके बाद टू, फिर उसके बाद थ्री, फिर उसके बाद यहाँ पे फोर दिया हुआ है, फाइव दिया हुआ है, इस तरीके से करके यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, ये एक और रिसर्च आर्टिकल से एक इमेज डिराइव है। आप देख सकते हैं गामा एंडोटॉक्सिन इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी। एक्चुअली गामा एंडोटॉक्सिन का मतलब क्या होता है? गामा एंडोटॉक्सिन बेसिकली जो आपका क्राई प्रोटीन है वो एक तरीके का टॉक्सिन होता है, जिसको नाम दिया जाता है गामा। ये आपका डेल्टा एंडोटॉक्सिन, इसको नाम दिया जाता है। ठीक है, तो डेल्टा एंडोटॉक्सिन, सॉरी मैं गामा बोल गया, डेल्टा एंडोटॉक्सिन इसको नाम दिया जाता है यहाँ पे। तो इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी यहाँ पे देखिए, ये क्राई प्रोटीन्स है, ये CRY प्रोटीन्स है, और ये CYT प्रोटीन्स है। अभी इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ये CRY क्या होता है और ये CYT क्या होता है। CRY तो देखिए आपको पता चल गया क्राई प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन CYT प्रोटीन्स जो होते हैं ये भी, इनके पास भी एक्टिविटी होती है, बट ये हीमोलिटिक एक्टिविटी शो करते हैं। हीमोलिटिक का मतलब क्या हो गया? आपके आरबीसी की लाइसिस करवा देंगे। तो ये CYT प्रोटीन्स होते हैं। जैसे CRY प्रोटीन्स जो है वो डिप्टेरा, कॉलिप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, हेमिप्टेरा और हिमनेप्टेरा के अगेंस्ट काम करते हैं, लेकिन वहीं पर अगर मैं CYT प्रोटीन के बारे में बात करूं तो कॉलिप्टेरा, लेपिडोप्टेरा और डिप्टेरा और इनके अगेंस्ट काम करते हैं। आप चेकआउट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहां पे देखिए एक पूरी लिस्ट दी गई है कि कौन कौन से प्रोटीन्स किसके अगेंस्ट काम करे। जैसे डिप्टेरा के अगेंस्ट ये हो गए, कॉलियोप्टेरा के अगेंस्ट ये, लेपिडोप्टेरा के अगेंस्ट ये, हेमिप्टेरा के अगेंस्ट और हिमनेप्टेरा के अगेंस्ट ये। तो आप इसको रोक करके इसको स्टडी कर सकते हैं इन डिटेल, अगर आप चाहें तो, आपके इंटरेस्ट का हो तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये हो गया पूरा एक आइडिया की क्राई और CYT। तो अब आ जाते हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर। तो क्राई प्रोटीन क्या होता है? अब यहां पे एक अगर हम डेफिनेशन के बेसिस पे बात करें कि आखिर ये क्राई प्रोटीन क्या होता है, तो देखते हैं। देखिए, क्राई प्रोटीन आपका एक ऐसा पैरास्पोरल इंक्लूजन है। पैरास्पोरल इंक्लूजन एक टर्म है जिसकी मदद से हमें ये समझ में आता है कि दिस इज प्रेजेंट इन साइड द बैक्टीरियल स्पोर, यानी कि आपका जो बैसिलस थुरिंजेनेसिस के स्पोर के अंदर पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? बैसिलस थुरिंजेनेसिस के अंदर पाया जाता है। क्या इफेक्ट होता है? टॉक्सिक इफेक्ट होता है, और ये टॉक्सिक इफेक्ट वेरीफाइबल होता है, आप डिटेक्ट कर सकते हैं टॉक्सिक इफेक्ट। और इसके अगेंस्ट होता है? टारगेट ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट होता है। या इसके अलावा एक ऐसा प्रोटीन जो काफी कुछ सीक्वेंस सिमिलैरिटी शो करे किसी और क्राई प्रोटीन के साथ,
इस तरीके के प्रोटीन को मैं क्राई प्रोटीन के अंदर में रखता हूँ। फिर से समझिए, क्राई प्रोटीन का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा पैरास्पोरियल एक ऐसा पैरास्पोरल आपका प्रोटीन जो कि आपके जो बैसिलस या बैक्टीरिया स्पोर के अंदर पाया जाता हो, वेरीफाइबल टॉक्सिक इफेक्ट्स हो उसके अगेंस्ट द टारगेट ऑर्गेनिज्म, और तो और या फिर वो किसी और क्राई प्रोटीन के साथ सीक्वेंस सिमिलैरिटी शो करता हो तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं क्राई प्रोटीन। नेक्स्ट अगर मैं सीवाईटी प्रोटीन के बारे में बात करूं तो सीवाईटी प्रोटीन जो है वो थोड़ा सा अलग है एक्टिविटी में। यहाँ पे आपको हीमोलिटिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी। हीमोलिटिक का मतलब क्या हो गया, आरबीसी का ब्रेकडाउन, आरबीसी की लाइसिस करने वाली एक्टिविटी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो क्राई प्रोटीन और सीवाईटी प्रोटीन में डिफरेंस है, दोनों के बारे में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो किस तरीके से इफेक्ट शो होता है या किस तरीके से यहाँ पे जो एनिमल की जो किलिंग होती है या कोई भी जो हमारा लेपिडोप्टेरन है या इंसेक्ट है किस तरीके से उसकी किलिंग होती है, तो समझने की कोशिश करते हैं। एनिमल फीड्स ऑन द ट्रांसजेनिक प्लांट। अब जो भी प्लांट है आपने उसको ट्रांसजेनिक बनाया है, कैसे बनाया होगा, उसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफर करके। कौन सा जीन ऑफ इंटरेस्ट, आपका क्राय जो जीन है उसको ट्रांसफर करा होगा। कौन सा क्राय जीन, डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप के एनिमल से छुटकारा पाना है, किस टाइप के एनिमल के अगेंस्ट अपने जो प्लांट है उसको बचाना है, रेजिस्टेंस शो करवानी है, तो उसके हिसाब से आपको उस प्लांट को ट्रांसजेनिक बनाना होगा जीन के साथ। जब आपने ट्रांसजीन बना लिया, ट्रांसजेनिक प्लांट बना लिया, उसके बाद क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एनिमल जब है आएगा और उसके ऊपर फीड करेगा, उस प्लांट के ऊपर फीड करेगा, तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन विल बी सॉल्युबलाइज्ड इन द अल्कलाइन एनवायरमेंट ऑफ द इंसेक्ट मिडगट। अब एक चीज समझने की कोशिश करिए, जैसे ही एनिमल जो है वो आकर के उसके ऊपर फीड करेगा, उस प्लांट के ऊपर फीड करेगा, ज्यादातर केसेस में क्या है, जैसे कि प्लांट की जो लीव्स होती हैं, सपोज करिए कि ये एक प्लांट की लीफ है, अब इस प्लांट की लीफ के अंदर जो हमारा प्रोटीन है, जो क्राई प्रोटीन है, वो यहाँ पे एक्सप्रेस करवा दिया जाता है, यानी कि इसी लीफ के अंदर उस प्रोटीन को एक्सप्रेस करा दिया जाएगा, क्राई प्रोटीन को एक्सप्रेस करा दिया जाएगा। अब याद रखिएगा कि प्लांट को नुकसान नहीं करता क्राई प्रोटीन, क्यों, क्योंकि क्राई प्रोटीन यहां पे प्लांट के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में के अंदर रहता है, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रहता है। अब इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रहता है तो फिर एक्टिवेट कैसे होता है या कब होता है, देखिए इस क्राई प्रोटीन को एक्टिव होने के लिए हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज की जरूरत पड़ती है, यानी कि जब तक ये प्रोटीन जो है वो टूटता नहीं है, इसका थोड़ा सा पोर्शन काट करके अलग नहीं किया जाता, तब तक ये एक्टिवेट नहीं हो सकता। तो प्लांट के अंदर वो इनएक्टिव फॉर्म में या क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर रहता है, तो इसी वजह से प्लांट को इस क्राई प्रोटीन की वजह से कोई भी नुकसान नहीं उठाना पड़ता। लेकिन जैसे ही कोई इंसेक्ट आएगा, इस प्लांट की लीफ के ऊपर फीड करेगा, या लीफ ही नहीं, जिस भी जगह पे हमारे क्राई प्रोटीन को एक्सप्रेस कराया गया होगा उस जगह पे जाकर के फीडिंग करेगा, उसको इंजेस्ट करेगा, तो होगा क्या, जैसे ही वो फूड या वो जो क्राई प्रोटीन है उसके गट के एनवायरमेंट में जाएगा, गट का एनवायरमेंट अक्सर अल्कलाइन एनवायरमेंट होता है इंसेक्ट्स के अंदर, तो जब अल्कलाइन एनवायरमेंट में जाएगा इंसेक्ट की मिडगट के अंदर, तो वहां पे उसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का सामना करना पड़ेगा क्योंकि डाइजेशन होगा। अब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का सामना करना पड़ेगा तो वो टूट जाएगा, जैसा कि मैंने बताया था कि हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज की जरूरत पड़ती है एक्टिवेशन के लिए, तो क्या हो जाएगा, प्रोटियोलाइटिकली क्लीव्ड, टूट जाएगा। अब क्लीवेज होने के बाद 60 केडीए का एक्टिव फ्रैगमेंट ये बना लेगा। अभी तक देखिए या तो 130 केडीए या 70 केडीए का था, उसको तोड़ दिया गया, काट दिया गया, तो अब ये क्या हो गया, 60 केडीए का एक फ्रैगमेंट बना लिया जो एक्टिव होता है। चला मैं इसको यहां पे दिखाता हूं। अब सपोज करिए कि ये एक इस तरीके का एक प्रोटीन था, ठीक, ये मेरा कौन सा प्रोटीन है, ये क्राई प्रोटीन है, ठीक। अब जब इसको एनिमल ने इंजेस्ट किया तो इसको ब्रेक कर दिया गया, हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज हो गया इसका। अगर हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज हो गया तो ये मान लीजिए कि ये इतना छोटा सा प्रोटीन बचा, ये कितने केडीए का है, 60 केडीए का है। अब ये मेरा एक्टिव प्रोटीन बन चुका है, तो दिस इज अ एक्टिव फ्रैगमेंट। अब यही इसी को मैं टॉक्सिक कोर फ्रैगमेंट बोलूंगा। टॉक्सिक कोर फ्रैगमेंट का मतलब यही रिस्पॉन्सिबल होगा मेन तरीके से इंसेक्ट के को किल करने के लिए, ठीक। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। याद रखिएगा कि अल्कलाइन एनवायरमेंट बहुत जरूरी होता है क्लीवेज के लिए। अल्कलाइन एनवायरमेंट के बिना आपका प्रोटीन जो है वो एक्टिव नहीं होगा, क्राई प्रोटीन एक्टिव नहीं होगा। यही कारण है कि प्लांट्स के अंदर ये क्राई प्रोटीन नुकसान नहीं पहुंचाता है।
यही कारण है आपके बैक्टीरिया के अंदर इसका कोई नुकसान नहीं देखने को मिलता। जब तक एल्कलाइन एनवायरनमेंट मौजूद नहीं है, जब तक इसका क्लीवेज नहीं हो जाता, तब तक ये एक्टिव फॉर्म में नहीं जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। तो टॉक्सिन फंक्शन लोकलाइज्ड इन द एंड टर्मिनल हाफ। अब जरा समझने की कोशिश करिए कि हर प्रोटीन के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो एंड टर्मिनल रीजन होगा, एक सी टर्मिनल रीजन होगा। अगर मैं यहां पे बनाने की कोशिश करूं तो जैसे कि मान लीजिए कि ये पोर्शन जो है वो एंड टर्मिनल है और ये पोर्शन जो है वो सी टर्मिनल है। तो कहने का मतलब ये है कि जो यहां पे जो टॉक्सिन का जो फीचर या टॉक्सिन का जो फंक्शन है या जो एक्टिविटी है टॉक्सिन की, वो इसके एंड टर्मिनल रीजन पे ही लोकलाइज्ड है। एंड टर्मिनल की वजह से ही जो है वो टॉक्सिसिटी शो होती है। यही पॉइंट लिखा है, टॉक्सिन फंक्शन इज लोकलाइज्ड इन द एंड टर्मिनल हाफ। तो सी टर्मिनल का क्या फिर रोल है? तो सी टर्मिनल इज हाईली कंजर्व। देखिए सी टर्मिनल जो है वो क्राई प्रोटीन्स में आपको हाईली कंजर्व देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर अलग अलग क्राई प्रोटीन्स में क्या चीज कॉमन देखने को मिलती है। तो सी टर्मिनल जो है वो कंजर्व देखने को मिलता है। एंड टर्मिनल में टॉक्सिन की एक्टिविटी होती है, वो चेंज हो सकती है। तो सी टर्मिनल इज हाईली कंजर्व, ये पॉइंट याद रखिएगा। मोस्ट ऑफ द क्राइजीन प्रेजेंट ऑन द लार्ज कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स। अब पता है ना आपको कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स का मतलब क्या होता है? देखिए ऐसी ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि क्या होते हैं, आपके एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है ये जो क्राई प्रोटीन होता है या जो क्राइजीन है, क्राइजीन कहना चाहिए, ये प्लाज्मिड के फॉर्म के अंदर पाया जाता है, कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स के अंदर देखने को मिलता है। ये मेरा क्राइजीन, ठीक। नेक्स्ट, मेनी इंसेक्ट स्पीशीज आर नॉट सेंसिटिव टू द क्राई प्रोटीन्स। अब देखिए ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो इंसेक्ट की स्पीशीज है वो क्राई प्रोटीन्स से किल ही हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स भी हैं जो कि क्राई प्रोटीन से जिनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, वो सर्वाइव कर जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे बताऊं तो एकोया जनाटा नाम का एक हम कह सकते हैं कि एक इंसेक्ट है। अब इसके साथ क्या चीज है, ये आपके जो आप क्राई प्रोटीन होगा ना उसको इतने छोटे 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 हिस्सों में क्लीव कर देगा कि जो 60 kDa वाला जो फ्रैगमेंट है, जो एक्टिव फ्रैगमेंट है, जो जिसकी वजह से एक्चुअली टॉक्सिसिटी हो रही है, वो बनेगा ही नहीं, उससे भी और छोटे छोटे फ्रैगमेंट बन जाएंगे। अगर वो इतने छोटे छोटे फ्रैगमेंट बन गए तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो एक्टिविटी होगी, टॉक्सिक एक्टिविटी होगी, वो शो ही नहीं हो पाएगी। तो ये नाम याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा कि बहुत सारे ऐसे भी इंसेक्ट्स हैं जिनके ऊपर इस क्राई प्रोटीन का कोई भी असर नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, टॉक्सिक एक्शन ऑफ द क्राई प्रोटीन। अब क्राई प्रोटीन के क्या क्या टॉक्सिक एक्शंस होते हैं इसको जरा देख लीजिए। देखिए क्राई प्रोटीन जैसे ही इंजेस्ट होगा इंसेक्ट के द्वारा तो हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगी, मैंने आपको बताया था। किसके द्वारा? गट प्रोटीएजेस। आपको पता ही है भाई, गट के अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो सेम वे में आपका जो इंसेक्ट होगा उसके गट के अंदर भी प्रोटीएजेस होंगे, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए होगा। तो प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाएगा जिसकी वजह से कोर टॉक्सिक फ्रैगमेंट रिलीज हो जाएगा। अब कोर टॉक्सिक फ्रैगमेंट कितने केडीए का था? 60 का था, याद होगा आपका 60 केडीए का फ्रैगमेंट था। अब जरा समझने की कोशिश करिए, ये जो कोर फ्रैगमेंट था हमारा, कोर टॉक्सिक फ्रैगमेंट था, इसके तीन डोमेन्स हैं, इट हैज थ्री डोमेन्स। सबसे पहला डोमेन, डोमेन वन, डोमेन टू और डोमेन थ्री। इन तीनों डोमेन्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। क्या क्या फंक्शंस हैं देखिए, डोमेन नंबर वन की अगर मैं बात करूं तो इट फंक्शंस इन द पोर एंड आयन चैनल। मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा बैक्टीरिया है, सपोज करिए ये बैक्टीरिया है, सपोज करिए ये इंसेक्ट है, अब इस इंसेक्ट की बॉडी के अंदर पोर का फॉर्मेशन करवा देगा या चैनल्स का फॉर्मेशन करवा देगा। कौन सा? ये डोमेन नंबर वन। किसके अंदर? जो इंसेक्ट होगा। इंसेक्ट की बॉडी ये है, इंसेक्ट की बॉडी के अंदर उसके सर्फेस पे जितने भी पोर्स हैं वो क्रिएट करने का काम या आयन चैनल्स क्रिएट करने का काम डोमेन नंबर वन का है। अगर पोर का फॉर्मेशन या आयन चैनल का फॉर्मेशन हो जाएगा तो उसकी बॉडी से लीकेज शुरू हो जाएगा और बाहर जाने लगेंगी चीजें, और या तो चीजें अंदर जाने लगेंगी जिसकी वजह से हमारा जो इंसेक्ट की बॉडी होगी वो स्वेल हो जाएगी और लाइसिस हो जाएगी। ये हो गया। डोमेन नंबर टू की बात करते हैं तो ये रिसेप्टर का रिकॉग्निशन करता है। रिसेप्टर का रिकॉग्निशन मतलब भाई ये टॉक्सिक फ्रैगमेंट है ना, अब टॉक्सिक फ्रैगमेंट जो है या टॉक्सिक पार्ट जो है वो जा करके इंसेक्ट की बॉडी से कहीं ना कहीं तो बाइंड करेगा ही करेगा। तो इंसेक्ट की बॉडी में कौन सा रिसेप्टर है, यानी कि कहां पे बाइंड करना चाहिए, इस चीज को रिकॉग्नाइज करने का काम डोमेन नंबर टू का है। नेक्स्ट, डोमेन नंबर थ्री क्या करेगा? बाइंड करता है रिसेप्टर से, ये रिकॉग्नाइज करेगा, ये बाइंड कर जाएगा, ठीक।
तो रिकॉग्नाइज करना, बाइंड करना और उसके बाद चैनल्स या पोर्स क्रिएट कर देना। सबसे पहले बाइंड करिए, ठीक, उसके बाद क्या करिए, उसके बाद सबसे पहले रिकॉग्नाइज करिए, रिकॉग्नाइज करने के बाद बाइंड करिए, बाइंड करने के बाद उसको पोर क्रिएट कर दीजिए। तो ये अलग अलग डोमेन्स के यहां पे फंक्शन है 1, 2 और 3। उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो हाई एफिनिटी रिसेप्टर्स जो है बेसिकली, अब इंसेक्ट की बॉडी में ऐसे कौन से रीजन्स होते हैं जिनके ऊपर हमारे ये जो क्राई प्रोटीन्स होते हैं वो जाकर के बाइंड करते हैं, ऐसा क्या है, ऐसे कौन से रीजन्स हैं, इसके बारे में भी पता करना जरूरी है। चलिए देखते हैं। तो इंसेक्ट की बॉडी के अंदर मिडगट रीजन में क्या है, देखिए मिडगट रीजन में ब्रश बॉर्डर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ब्रश बॉर्डर। ठीक, तो मिडगट रीजन में ब्रश बॉर्डर पाया जाता है। पर्पस क्या है? एब्जॉर्प्शन का काम होता है ना। जब अभी इंसेक्ट कुछ खा रहा होगा तो इंसेक्ट खाने के बाद एसिमिलेट करेगा ना उसको, तो ब्रश बॉर्डर जैसे सीलिया होता है वो क्या करता है, वो विलाई होता है सॉरी, वो क्या करता है उसको खींच लेता है, एब्जॉर्ब करने के काम आता है। तो सेम वे में ब्रश बॉर्डर पाया जाता है मिडगट एपिथेलियल सेल्स के अंदर। अब यहीं पे जाकर के इसी ब्रश बॉर्डर मेम्ब्रेन के ऊपर जाकर के हमारा टॉक्सिक जो है टॉक्सिन जो है वो जाकर के बाइंड कर जाएगा। ठीक, तो ब्रश बॉर्डर मेम्ब्रेन डेवलप स्पोर्स, ये चीज यहां पे हो जाएगी और ये नॉन स्पेसिफिक वे में होती है। ठीक, नेक्स्ट इन्फ्लक्स इनटू द एपिथेलियल सेल्स ऑफ आयंस एंड वाटर। अब जैसे ही टॉक्सिन जाकर के बाइंड करेगा डोमेन नंबर 1 पोर क्रिएट कर देगी, पोर क्रिएट करेगी तो बाहर से जितने भी आयंस या वाटर्स हैं, वाटर है वो अंदर की तरफ मूव करेगा, अंदर की तरफ मूव करेगा तो उसकी वजह से क्या होगी, स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग होने लगेगी तो उसके बाद क्या हो जाएगा, लाइसिस हो जाएगा। किसका लाइसिस? इंसेक्ट का लाइसिस, जिसकी वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी और हमारा प्लांट जो है वो बच जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा। तो ये सारी की सारी आपकी पूरी कहानी थी किस तरीके से यहां पे काम चल रहा है। चलिए अगर इसको डायग्राम के थ्रू देखना चाहें तो जरा आप देख सकते हैं, एक एक करके इसको जरा समझते चलते हैं क्या हो रहा है यहां पे। देखिए सबसे पहले तो ये मेरा एक मान लीजिए कि कोई इंसेक्ट है। अब इंसेक्ट जो है ये लीफ के ऊपर फीड कर रहा है, यहां पे आप देख सकते हैं दिस इज अ लीफ। लीफ के अंदर बेसिकली अलग अलग टाइप के हमारे क्राई प्रोटीन्स मौजूद होंगे। अब इसको इंसेक्ट ये फीड कर रहा है तो इंसेक्ट की बॉडी के अंदर ये गया। अब बॉडी के अंदर जाने की वजह से पहले सबसे पहले क्या हुआ, सॉल्युबलाइजेशन हुआ। ठीक, अब सॉल्युबलाइजेशन से क्या हुआ, पहले तो जो क्रिस्टल फॉर्म था, क्रिस्टल फॉर्म से पीएच चेंज हुआ, पीएच चेंज होने की वजह से ये प्रोटॉक्सिन में बदला। टॉक्सिन के जस्ट पहले वाली स्टेज जो है वो प्रोटॉक्सिन हुई। अब प्रोटॉक्सिन के बाद अब एल्कलाइन एनवायरमेंट मिला तो इसके बाद प्रोटीएज यहां पे आकर के बैठे। प्रोटीएज ने क्या किया, एक्टिवेशन करवाया। क्यों? क्योंकि ये अब ये तोड़ दिया गया इसको, बेसिकली क्या हुआ देख सकते हैं ये ब्लैक वाला और येलो वाला यहां पे जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉक्सिन का स्ट्रक्चर है। अगर आप प्रोटॉक्सिन से टॉक्सिन बनाना चाहते हैं तो क्या करिए, जो इसका इनएक्टिव वाला रीजन है उसको कट करके निकाल दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था 60 KDA वाला फ्रेगमेंट कैसे बन रहा होगा, प्रोटियोलाइसिस हो रही होगी। तो प्रोटियोलाइसिस हुआ, ये एक्टिव टॉक्सिन बन गया। अब जैसे ये एक्टिव टॉक्सिन बना ये क्या करेगा, रिसेप्टर से जाकर के बाइंड करेगा, रिसेप्टर से जाकर के बाइंड करेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, जो इसकी जो ब्रश बॉर्डर एपिथीलिया है उसके साथ जाकर के बाइंड करेगा और यहाँ पे पोर फॉर्मेशन हो जाएगा। पोर फॉर्मेशन की वजह से अल्टीमेटली इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया बीटी किस तरीके से आपका फंक्शन करता है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, जल्दी से देखते हैं। स्पेसिफिसिटी सीम टू बी लॉस्ट अपॉन रिडक्शन ऑफ द सिस्टीन रेजिड्यू ऑफ द प्रोटॉक्सिन। अब समझने की कोशिश करिए, देखिए प्रोटॉक्सिन के बारे में अगर हम बात करें तो प्रोटॉक्सिन के ऊपर सिस्टीन रेजिड्यूज पाए जाते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टॉक्सिसिटी के लिए या किल करने के लिए इंसेक्ट को। तो अगर आप चाहते हैं कि इंसेक्ट ये जो प्रॉपर्टी है इसकी वो उसको हम रोक दें, खत्म कर दें, तो क्या होगा, आप इस सिस्टीन रेजिड्यू को रिड्यूस कर दीजिए। ठीक, आपको पता है ना कि सिस्टीन जो है यहां पे इस तरीके से SH फॉर्म में रहता है ना, यहां पे इसका पूरा सिस्टीन का ये रहता है, उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो SH फॉर्म में रहता है। अब यहां पे क्या, इट कैन बी सीम टू बी लॉस्ट अपॉन रिडक्शन ऑफ द सिस्टीन रेजिड्यू ऑफ द प्रोटॉक्सिन। तो सिस्टीन रेजिड्यू को अगर आप रिड्यूस कर देंगे, उसके अंदर चेंजेस कर देंगे तो वो फंक्शनल नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट, 80,000 टाइम्स मोर टॉक्सिक देन द ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड्स। आपको पता है ना कि जनरली किसान क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि इंसेक्ट्स को किल किया जा सके, लेकिन अगर आप देखें तो ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड से 80,000 टाइम्स ज्यादा पोटेंट आपका ये क्राय प्रोटीन फंक्शन करता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक्सप्रेशन ऑफ क्राय जीन इन द प्लांट्स।
आखिर क्राइजीन को एक्सप्रेस किस तरीके से कराया जाता है प्लांट्स के अंदर, और कौन कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर क्राई प्रोटीन को या क्राइजीन को एक्सप्रेस कराया जा चुका है। तो देखिए, क्राई 1A की बात करता हूं तो ये टोबैको, पोटैटो, टोमैटो इन सब के अंदर एक्सप्रेस कराया जा चुका है। तो दैट मीन्स ये टोबैको, पोटैटो, टोमैटो के अंदर क्राई 1A है और वो बेसिकली इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है वहां पे। इसके अलावा एक चीज और समझिए कि इनके अंदर जो टोबैको, पोटैटो और टोमैटो है, इनके अंदर जो जीन दिया जाता है वो क्राइजीन तो है बट वो ट्रंकेटेड क्राइजीन है, मतलब बहुत, क्योंकि एक्चुअल में क्राइजीन का साइज बहुत बड़ा है और इतना बड़ा साइज जो है अक्सर एक्सप्रेस नहीं कर पाता टोबैको, पोटैटो और टोमैटो के अंदर। तो क्या किया जाता है, इसको ट्रंकेट कर दिया जाता है, इसका साइज जो है वो कंपेरेटिवली छोटा कर दिया जाता है, पहले इसको मतलब इसका साइज कम कर दिया था, ये समझ सकते हैं। अब इसका साइज कम हो गया तो इसको ट्रंकेटेड क्राइजीन बोलेंगे, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये जब एक्सप्रेस होता है तो अगेन आपका फंक्शनैलिटी या किलिंग हो जाती है जितने भी इंसेक्ट्स होंगे उनकी। ठीक, नेक्स्ट ट्रांसजेनिक टोबैको की अगर मैं बात करूं तो इट इज रेजिस्टेंट टू, सबसे पहले देखिए जो काम किया गया था वो ट्रांसजेनिक टोबैको के ऊपर ही किया गया था और चेक किया गया था इनके जो ट्रांसजेनिक टोबैको का जो यूज किया गया सबसे पहली बार, तो इफेक्ट देखा गया कि मैंड्यूका सेक्स्टा और हेलियोथीस विरिसेंस इनके ऊपर इफेक्ट देखा गया था। तो ये इंसेक्ट्स जो है अक्सर इसको टोबैको प्लांट्स को नुकसान पहुंचाया करते थे, तो काफी ज्यादा इफेक्टिव रोल इसका देखा गया था, यानी कि कहने का मतलब ये टोबैको जो ट्रांसजेनिक टोबैको थे वो रेजिस्टेंट हो चुके थे इन दोनों स्पीशीज से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ट्रांसजेनिक टोमैटो की बात करूं तो वो भी रेजिस्टेंट हो चुका था, किससे, फ्रूट वर्म एंड पिन वर्म लार्वे से। तो फ्रूट वर्म और पिन वर्म लार्वा, आपको पता होगा कि जो टोमैटो प्लांट होता है ना उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता था, तो अब ट्रांसजेनिक टोमैटो के यूज के बाद अब ये इतना मतलब ये जो प्लांट है वो रेजिस्टेंट हो चुका है, इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो चुका है। तो ये पूरी की पूरी कहानी है। बेसिकली आपको मैंने एक पूरा एक टेबल भी दिखा दिया था कि कौन कौन से जीन्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग प्लांट्स के से बचे रहने के लिए, अलग अलग प्लांट्स के अंदर कौन कौन से जीन्स को आप इंसर्ट करवा सकते हैं उसके बारे में भी बता दिया, टेबल दे दिया आपको, किस तरीके से मैकेनिज्म होता है उसके बारे में बता दिया। अब बेसिकली कैसे कर सकते हैं, अब जो भी प्लांट है प्लांट का एक जीनोम है, अब प्लांट के जीनोम के अंदर बाहर से आप क्राइजीन को इंसर्ट करवा सकते हैं थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, और एक बार इंसर्ट हो गया तो उसके बाद आराम से आपका प्लांट जो है वो रेजिस्टेंस शो करने लगेगा इंसेक्ट या निमेटोड के जरिए, निमेटोड के लिए जिस भी टाइप का आपने जीन इंसर्ट किया है उस हिसाब से। ठीक, तो इसी के साथ साथ हम लोग अपने लास्ट स्लाइड के ऊपर पहुंच चुके हैं, तो जिसमें हमने आज देखा कि बेसिकली क्राई प्रोटीन्स क्या होते हैं, बैसिलस थुरिंजेनेसिस किस तरीके का होता है, क्या मैकेनिज्म है इफेक्ट शो करने के लिए, लेपिडोप्टेरेंस के अगेंस्ट कौन कौन से और इंसेक्ट्स के अगेंस्ट, या क्या किस तरीके का क्या बेसिकली अलग अलग टाइप के क्राई प्रोटीन्स का फंक्शन होता है, उन सब चीजों को मैंने आज देखा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।